हेलो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चैप्टर 7। सो लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7, टाइम गोइज ऑन। 1 नंबर, राइट द अप्रोप्रिएटिव सीरियल नंबर द एक्टिविटी इन द टेबल गिवन बिलो। 2। नीचे आपको जो दिए है उसमें को दिया है सेकेंड्स, मिनट, हवर, डे एंड मंथ। उसमें आपको ये सीरियल नंबर दिए हैं, उसके हिसाब से उसमें सीरियल नंबर लिखने हैं कि भाई मिनट है मिनी नंबर ऑफ द एक्टिविटी टॉकिंग, सेकेंड में आप क्या क्या काम कर सकते हो। तो उसमें बताया, इसमें एग्जांपल में 5 नंबर्स दिए हैं। 5 नंबर में दिया है 2 क्लैप, क्लैप करेंगे तो वो सेकेंड मिनट, एक सेकेंड हो जाए, ऐसे क्लैप करेंगे तो सेकेंड में होता है, तो 5 नंबर दिया है। 14 नंबर्स में है 2 ब्लिंक आइस, अपनी आइस ऐसे बंद करेंगे तो सेकेंड में होगा। 15 मिनट्स में है 2 स्विच ए लाइट, लाइट की स्विच बंद करने जाएंगे तो सेकेंड होगा। वैसे सेकेंड मिनट्स में कौन सा है, तो मिनट्स में 2 नंबर्स बताया है, 2 बाथ, मिनट होती है कि आप बाथ यानी नहाने जाते हैं, हम बॉडी बात करते हैं, तो उस मिनट लगती है, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे आप बात करते हो वैसे टाइमिंग होता है, वो मिनट्स में है। फिर 1 नंबर में है 2 ब्रश द टीथ, अपने ब्रश करते हैं तो मिनट में करते हैं। 3 नंबर में 2 कम हेयर, अपने बाल बनाते हैं। 2 वेयर क्लोथेस, वो भी मिनट होता है। 2 ईट फूड, खाने बैठते हो तो भी मिनट में होता है। ऐसे अपने आगे ऐसे ही सीरियल नंबर को लिखना है। फिर हवर्स बताया है, हवर्स में यानी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बारे में बताया है। 2 प्ले विथ फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो कितने मिनट लगा, कितना कलाक में खेलते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, वो बताया है। 7 नंबर में 2 वॉश क्लोथ, कपड़े धोते हैं, वॉश करते हैं तो कितने घंटे लगते हैं, वो भी अवे हवर्स में होता है काम। 8 नंबर में दिया है 2 प्ले विथ फ्रेंड्स, वो भी अपने बताया पहले, वो नहीं, वो हिसाब से ये हवर्स का बताया है। फिर डे, एक डे, एक दिन, दो दिन, ऐसे। इसमें 10 नंबर बताया है के 2 सनराइज, आज एक दिन का सनराइज पूरा हो गया, फिर दूसरे दिन कल होगा, फिर तीसरे दिन होगा, चौथे दिन, ऐसे। फिर 11 में है 2 ग्रोइंग नेल, है ना, अपने कुछ उगाते हैं तो उसको बाहर निकलने में वक्त लगता है, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, ऐसे फिर वो बड़ा होता है, ऐसे उसमें डे बताया है। फिर मंथ, मंथ में दिया है 13 नंबर्स में, उसमें बताया है 2 चेंज ऑफ ए सीजन, सीजन है वो चेंज होती है, वो मंथ होते हैं, जैसे 4 महीने अपने विंटर होती है, 4 मंथ है, फिर समर, मॉनसून, ऐसे 4-4 मंथ में सीजन चेंज होती है, तो वो मंथ है। फिर आगे 16 नंबर बताया है, 16 नंबर में है 2 ग्रो विथ, यानी अपने जो गाते हैं, गेहूं गाते हैं, वो उसको भी टाइम लगता है, जैसे सीजन के हिसाब से अपने उसको बुन डालते हैं, वो बड़े होने में देर लगती है, वो भी मंथ लगता है, 1 महीने के बाद होता है, ऐसे ऐसे सब मैं बताया, सेकेंड, मिनट, आवर, डे और मंथ। वो अपने को एक्टिविटी के हिसाब से उसमें नंबर लिखे है। अभी क्वेश्चन नंबर 2, राइट द आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑन द बर्थ सर्टिफिकेट गिवन बिलो। आपको नीचे ये बर्थ प्लेस सर्टिफिकेट बताया है गवर्नमेंट का, गुजरात का, उसमें थे देख के हेतल के बारे में बताया है। हेतल हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अभी इसमें से देख के अपने नीचे आंसर चूज करने हैं। 1 नंबर में लिखा है रितेश बर्थ डेट इज, रितेश की बर्थ डेट कौन सी है, बर्थ मंथ इज, इसका मंथ कौन सा है, एंड बर्थ ईयर इज, इसकी ईयर कौन सी, साल कौन सी है, वो बताया है। तो अपने ऊपर से देखेंगे कि 3 डेट्स है उसकी, 7th मंथ है, 7th यानी जुलाई मंथ है, और है ईयर है 2009, तो 2009 2 नंबर में है रितेश फादर नेम इज, रितेश के पापा का नाम क्या है, वो पूछा है, तो अपने बताएंगे रितेश पापा का नाम
सुरेश कुमार, सुरेश कुमार है, सुरेश कुमार लिखा है। मदर्स नेम इज, उसकी मम्मी का नाम बताया है, मम्मी का नाम है हेतल बहन, हेतल बहन तो हेतल बहन। एंड बर्थ प्लेस इज, बर्थ प्लेस लिखा है, प्लेस ऑफ बर्थ तो अहमदाबाद लिखा है तो अहमदाबाद आएगा। पापा का नाम है सुरेश कुमार, मम्मी का नाम है हेतल बहन और बर्थ प्लेस है अहमदाबाद। थ्री नंबर में, हाउ मैनी मंथ ओल्ड विल रितेश बी ऑन। हाँ, अभी रितेश है वो बोले थ्री, इसका बर्थडे है 3/7/2009, तो कितने मंथ हुए है 13/12/2009 में, वो कितने मंथ का हुआ ऐसे पूछा है कि रितेश कितने मंथ का हुआ है। तो 9/7 मंथ से गिनेंगे हम 12 मंथ तक, तो 5 मंथ होते हैं, 5 मंथ उसके 5 मंथ हुए है। वो नंबर में, हाउ मेनी ईयर ओल्ड विल रितेश बी ऑन 3/7/2015। अभी उसका बर्थ हुआ था 2009, तो 2015 तक रितेश होगा 6 ईयर का। 9 से 15 तक गिनेंगे तो 6 ईयर होते हैं। 5 नंबर, हाउ मेनी ईयर ओल्ड विल रितेश बी ऑन 3/7/2054 आएगा, तो वो कितने साल का होगा, दिल भी कि आगे वो 2054 लिखा है 2054, तो 45 इयर्स का होगा। जब भी अपने गिनेंगे तो वही साल में वो 45 इयर्स का होगा रितेश। 6 नंबर, ऑन विच डेट विल रितेश बी 10 इयर्स ओल्ड। अभी 10 इयर्स कब होगा उसका, कौन सा इयर्स में होगा उसके 10 साल, तो अपने 2009 में उसका बर्थडे हुआ था, तो 2019 में वो 10 इयर्स का होगा 2019। अभी है 7 नंबर, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड इज रितेश नाउ। तो 10 इयर्स इन द रेफरेंस टू योर 2019 में 10 ईयर उसका चालू होगा। 8 नंबर, ऑन व्हाट डज डेट विल रितेश बी 15 इयर्स ओल्ड। तो रितेश 15 इयर्स में होगा, तो कौन सी ईयर आएगी, कौन सी साल आएगी, तो 3/7/2024 में वो 15 इयर्स का होगा। 9 नंबर, आफ्टर हाउ मेनी डे ऑफ रितेश व्हाट वाज द सर्टिफिकेट इश्यूड 15 डेज विच इज द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 18/7/2009। अभी 10 नंबर, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ दिस सर्टिफिकेट, तो उसका नंबर देखना है कि आगे सर्टिफिकेट नंबर बताया है 2/37/2009, उसका सर्टिफिकेट नंबर है और 2009 में हुआ था वो बताया है। अभी 3 नंबर, डिटेल ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड देयर प्रेजेंट एज आर गिवन बिलो। प्रेजेंट एज बतानी है उसकी, चालू उसकी एज बतानी है। ऑन इट्स बेसिक राइट द आंसर टू द क्वेश्चन। अभी यह नंबर्स ऑफ फैमिली दिया है, मनीषा, हर मदर, हर फादर और ग्रैंड मदर। अभी ये प्रेजेंट एज है, चालू ईयर है उसकी, कितनी एज है वो है, तो मनीषा 8 है और मदर है 35 है और फादर 39 और ग्रैंड मदर 72 है। 1 नंबर में दिया है, हाउ मेनी ईयर ओल्ड इज द ग्रैंड मदर देन मनीषा मदर्स। तो मनीषा की मम्मी से उसकी दादी है वो 37 इयर्स बड़ी है। 2 नंबर, हाउ मेनी ईयर यंगर इज द मनीषा देन हियर फादर। तो बोल के है कि मनीषा है उसके पापा से कितनी ईयर छोटी है, यंगर है, यानी ये बताया है, तो उसके पापा से वो 31 इयर्स यंगर है। 3 नंबर, व्हाट वॉज हियर मदर एज ऑन द टाइम ऑफ मनीषा बर्थ। बोल रहे कि मनीषा का जन्म हुआ तभी उसकी मम्मी की एज कितनी थी, तो 27 इयर्स की थी। और ऑल्सो व्हाट वॉज हियर ग्रैंड मदर एज, उसकी दादी की एज कितनी होगी, तो 64 इयर्स एज, क्योंकि 27 में हम 8 एज करेंगे
तो उसका होगा 35, और दादी में ये टेस्ट करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो 27 की उसकी मम्मी होगी, 64 की उसकी दादी होगी। फोर नंबर, व्हाट विल बी द एज ऑफ मनीषा आफ्टर 4 ईयर्स। अभी है कि मनीषा की कितने साल की बता रहे हैं, चालू प्रेजेंट में 8 बता रहे हैं, और आफ्टर 4 ईयर्स के बाद, तो 4 ईयर्स 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 ईयर्स होगी वो आगे वो। व्हाट विल बी द एज ऑफ द मदर, उसकी मम्मी कितने की होगी, 4 ईयर्स करेंगे तो 35 है, तो 4 ऐड करेंगे तो 39 ईयर्स हो जाएगी, और इसकी इसके ग्रैंड मदर है वो 72 है, तो 76 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द आंसर द क्वेश्चन ऑन बेसिक द कैलेंडर ऑफ योर 2019 का कैलेंडर है, इसमें पूरा बेसिक दिया है, कैलेंडर के बारे में बताया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फिर ये जुलाई है, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अभी नीचे क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर देने हैं अपने को। वन नंबर में है, हाउ मेनी मंथ डेज ईयर है, वो कितने मंथ होते हैं ईयर के, तो 12, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 मंथ हो गए। टू नंबर है, विच इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर, 7th मंथ कौन सा है, तो जून है वो 6th है, और जुलाई है वो 7th है, तो जुलाई। थ्री नंबर, विच मंथ कम बिफोर अक्टूबर के पहले, कौन सा मंथ आता है, बिफोर यानी आगे वाला, तो अक्टूबर के पहले सितंबर आता है। फोर नंबर, विच मंथ कम आफ्टर अप्रैल, अप्रैल के बाद में कौन सा आता है, तो अप्रैल के बाद में मई आता है। फाइव नंबर है, नेम द मंथ हैविंग 30 डेज, कौन से महीने में होते हैं, वो 30 डेज होते हैं, वो अप्रैल में होते हैं, जून में होते हैं, फिर सितंबर में होते हैं 30, सितंबर के बाद में नवंबर में 30 होते हैं, अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर। सिक्स नंबर, नेम द मंथ हैविंग 31 डेज, 31 डे किस में होते हैं, तो जनवरी में होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, फिर मई में होते हैं, फिर जुलाई में, जुलाई के बाद में अगस्त में 31 है, फिर अक्टूबर में 31 है, और दिसंबर में 31 है, तो ये सब है वो 31 डेज है, जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर। सेवन नंबर, नंबर ऑफ डे ऑफ विच मंथ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मंथ, ये दोनों 30 और 31 से अलग ही मंथ है, डिफरेंट है, तो कौन सा मंथ है वो, तो फरवरी, तो फरवरी 28 डेज का बताया इसमें, तो वो सबसे अलग है। एट नंबर है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द वीक, वीक में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते के दिन तो 7 होते हैं, ऐसी वी एन 7 डेज। नाइन नंबर में है, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास सेकेंड, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास सेकेंड, अपने अगली अगले जाएंगे क्लास, जो अपने नई स्कूल खुलती है तो कौन से मंथ में होती है, तो 6th मंथ में अपनी स्कूल खुलती है, जून महीने में अपनी स्कूल खुलती है, उसके मंथ लिखना है। 10 नंबर है, योर बर्थडे फॉल इन विथ मंथ, तुम्हारा बर्थडे लिखना है, तुम्हारा अपने आपका, योर बर्थडे फॉल इन विथ मंथ, कौन से महीने में तुम्हारा जन्म हुआ है, वो मंथ के नाम लिखना है, जैसे नवंबर है, दिसंबर है, फरवरी है, जो भी मंथ है उसका नाम लिखना है इधर। 6 नंबर है, राइट द टाइम इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, स्क्वायर बताया उसमें टाइम लिखना है। अब इसमें है एग्जाम्पल बताए, 7:20 हुई है, 7:20, इसमें 5:10 तो 5:10, इसमें 1:15 12:05 8:20 8:20, 6:25 6:25, फिर है 1:50 1:50,
4:40 11:55 है, 11:55। प्लीज स्क्रू द हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन बिलो। अभी आपको टाइम लिखा है, अभी एग्जांपल में बताया है, उस हिसाब से टाइम का क्लॉक का हैंड से वो ड्रॉ करना है। तो क्लॉक बताइए इसमें 3:30 है, अब इसमें 10:10 है, तो अपने को छोटा क्लॉक है वो हैंड से वो 10 पे आएगा और बड़ा वाला है 2 पे आएगा, तो 10:10 हुआ। 5:20 तो छोटा वाला 5:00 थोड़ा एक आगे जाएगा और 4 पे रहेगा, तो 5:20 हो गए। इसमें है 6:15 है, तो 6 बजे है और 15 मिनट ऊपर बताए, छोटा हैंड से वो 6 बजे है और बड़ा वाला 15 पे 3 पे 15, तो 6:15 हुए। अभी 6:30, तो दोनों कांटे वो छोटा बड़ा दोनों 6 पर रहेगा, 30 है ये, तो 6:30 हुए। 3:45, तो छोटा है 3 पे है और बड़ा है वो 9 पे है, तो 3:45 हुए। इधर लिखे 5, 10, 15, 20, 25, तो 45 है, तो 3:45 हुए है। अभी 12:35, तो अपने 12 बचा है बताएंगे, छोटा हैंड्स और बड़े में 35 इधर बताया है, तो 7 पे काटा आएगा, तो 12:35 है, छोटा है हैंड से वो 12 पे और बड़ा है वो 7 पे है। 10:05 है, तो छोटा वाला हैंड से वो 10 पे है, बड़ा वाला है 5 है, तो 10:05 हुए। 12:50, तो 12 है और इधर बड़ा आ जाएगा 10 पे, 12:50 हो गए। अभी 4:40, तो छोटा हैंड है वो 4 पे, 4:40 8 पे होता है, 8 पे आएगा, तो 4:40 हुए। 7:55, तो 7 थोड़ा बीच में आया है और 55 मिनट इधर होते हैं, तो 7:55 यानी आज बजने में 5 मिनट बाकी है, 7:55। 8:25, 8 पे छोटा कांटा और बड़ा है वो 25 है, 5 पे 25 हो गया, तो 8:25। अभी एक्सरसाइज नंबर 8 बताइए, डिटेल ऑन डेली रूटीन ऑफ बेली आर गिवन बिलो, बबली आर गिवन बिलो, राइट द टाइम इज शो इन द क्लॉक इन। 8 नंबर, डिटेल ऑन द डेली रूटीन ऑफ बबली आर गिवन बिलो, राइट द टाइम इज शो इन द क्लॉक इन। ये बबली बताई है उसको सब टाइम के हिसाब से वो क्या रूटीन में क्या करती है उसके बारे में बताना है, आप देखो और बताओ। अभी 6 बजे है, तो गेट्स अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह में गेट्स अप इन द सुबह में उठती है 6 बजे। दूसरा 7 बजे बताया है, टेक्स बाथ एंड गेट्स ड्रेसेस अप, वो नहा के तैयार हो जाती है 7 बजे, 7 o'clock बताया है। 3 numbers, 7:30 है, तो 7:30 टैक्स ब्रेकफास्ट, वो खाना खाती है, खाना लेती है, टैक्स ब्रेकफास्ट। 4 number में 8 बजाए, 8 o'clock को बताया, इसमें गोइस टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, गोइस टू स्कूल, स्कूल जा रही है 8 बजे। फिर है 11 बजे बताया है, 11 बजे वो क्या करती है, वो स्टडी इन स्कूल, स्कूल में पढ़ाई करती है, स्टडी इन स्कूल, तो इधर 11 बजे लिखेंगे। 12 बजे क्या करती है, टेक्स लंच विथ हियर फ्रेंड इन स्कूल, टेक्स लंच विथ हर फ्रेंड इन स्कूल, स्कूल में अपने को फ्रेंडों के साथ खाना खाती है, है ना, लंच लेती है, देखो पिक्चर दिखा रही है लंच, तो 12 o'clock लिखेंगे इधर। फिर है 2 o'clock, 2 o'clock बता रही है, कम्स बैक फ्रॉम स्कूल, कम्स बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल के घर आती है 2 बजे आती है, 2 बजे वो स्कूल से घर आती है। फिर इसमें है 5 o'clock, 5 o'clock पे क्या करती है, प्ले विथ फ्रेंड्स, प्लेस विथ फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंडों के साथ खेलती है 5 o'clock को।
नाइन नंबर है, 7 o'clock बताया है इधर, 7 o'clock वॉचिस टीवी 7 बजे वो टीवी देखती है, वॉचिस टीवी 10 बजे है, 8 o'clock बजे है इसमें, 8 o'clock टैक्स डिनर 8 बजे वो डिनर खाना बैठते ही है, खाना खाते हैं डिनर, शाम का डिनर लेते हैं वो लोग 8 बजे, 8:30, 8:30 डस होमवर्क वो अपना होमवर्क करती है, गृह कार्य होमवर्क यानी होमवर्क लेसन। 9 o'clock गोइस टू स्लीप यानी सो जाती है, 9 बजे वो सो जाती है, गोइस टू स्लीप यानी सो जाती है 9 बजे। अभी उसकी वो बबली है, उसकी रोज की रूटीन बताई है कि वो इतने बजे क्या करती है, उतने बजे क्या करती है, वो क्लॉक के साथ बताया उसने। अभी एक्सरसाइज नंबर 9, ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम ऑफ योर डेली रूटीन एंड राइट द टाइम इन द स्क्वायर गिवन बिलो। अभी 1 नंबर में बताया है, एक टाइम बताया है, एट वॉट टाइम डू यू वेकअप इन द मॉर्निंग। तो सुबह में चलने जाते हैं कितने, वॉकअप यानी चलने जाना 6 बजे। 2 नंबर वॉट टाइम डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं, तो 7:30 7 o'clock 7:30 7:30। एट दैट टाइम डू यू गो टू स्कूल, स्कूल कितने बजे जाते हो, तो 8 o'clock 8 o'clock बताया इधर, 8 o'clock लिखेंगे। 4 नंबर एट वॉट टाइम डू यू हैव योर लंच इन स्कूल, स्कूल में लंच कितने बजे लेते हो, तो इसमें 12 o'clock 12 o'clock बताया है, 12 o'clock। What time do you come back home from school? स्कूल के वापस कब घर आते हैं वो बताया है, तो 2 o'clock 2 बजे, ये 2 लिखना है। 6 नंबर What time do you play in the evening, शाम को कितने बजे खेलते हैं, What time do you play in the evening, तो 5 o'clock 5 o'clock लिखेंगे। 8 what time डू यू डू योर होमवर्क, होमवर्क कितने बजे करते हैं, 8 o'clock 30 minutes 8 o'clock 30 minutes 8 what time डू यू डू योर होमवर्क, तो 8:30 8 what time डू यू वॉच टीवी, 8 what time डू यू वॉच टीवी, टीवी कितने बजे देखते हो, 7 o'clock 7 o'clock 9 नंबर 8 what time डू यू हैव योर डिनर, वॉट 8 what time डू यू हैव योर डिनर, तो 8 o'clock को डिनर लेते हैं। 8 what time डू यू स्लीप इट द नाइट, शाम को कितने बजे सोते हैं उसके बारे में बताया है, स्लीप यानी सोना, 8 night तो 9 o'clock 9 o'clock बताया है। 1 MCQ दिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट द ऑर्डर अल्फाबेट इन बॉक्स बताया, उसमें लिखना है। चूज द करेक्ट alternative from each question and write the order alphabet in box। 1 नंबर में है, the minute hand takes खालजिया hour to complete 1 round, फिरता है पूरा वो, minute hand है पूरा 1 घंटे ऐसे घूम के आएगा, तो कितने hours हो गए वो बता रहे हैं, तो इसमें है 12 है, b में 1 है, c में 24, d में 6 है, तो है 1 hours पूरा घूमेगा, 1 कलाक ऐसे hours पूरा घूम के आएगा ना, तो 1 मिनट होती है। बी नंबर से आंसर। 2 नंबर में है,
1 hour 25 minute। हाँ तो डी नंबर में आएगा, डी नंबर बताया 85, ए नंबर 75, बी 65, सी 95, डी 85, तो अपने पूरा 1 hour होगा तो 60 minute होगी। और इसमें 25 ऐड करेंगे 25 minutes हो गई। सिक्स नंबर में है सी वीक्स एंड 5 days इक्वल ये डेज है, 3 week के कितने डेज होते हैं वो गिनना है पहले को। 42 होते हैं, 42 में हम 5 days ऐड करेंगे तो 47 हो गए। तो इसमें हो गया 47, 1 में 48, बी में 47, सी में 36, डी में 60, तो 42 के वीक 6 week के 42 days होते हैं एंड 5 ऐड करेंगे तो 47 days हो गए। 4 नंबर में है मनीषा हैड हियर लंच एट 2 PM बताया, टू इसमें बी में बताया AM, PM, CM एंड KM, तो लंच करती है तो PM आएगा। 2 बजे करती है दोपहर के तो PM लिखेंगे। 5 नंबर में है अवनी स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे, अवनी है वह रोज 2 hours एवरी डे वो स्टडी करती है। सी फिनिश स्टडी एट 7 PM, उसकी 2 घंटे वो स्टडी करती है अवनी, तो उसकी फिनिश होती है स्टडी 7 PM यानी शाम को 7 बजे। तो वेन डिड सी स्टार्ट स्टडिंग वेन डिड सी स्टार्ट स्टडिंग, तो वो बोलते हैं कि उसने चालू कितने बजे करी होगी, तो वो 7 बजे उसकी फिनिश कंप्लीट हो जाती है। तो अपने देखने जाओ तो 7 o'clock को वो उसकी कंप्लीट हो जाती है, तो वो कितने बजे स्टार्ट करती होगी, 2 घंटे बताया है तो 5 PM करेगी, तो 5 से 6, 6 से 7, तो 5 बजेंगे, 5 बजे वो स्टडी स्टार्ट करती होगी। तो 5 PM, 5 AM, 9 AM, 9 PM, तो ये नंबर आएगा 5 PM। 6 नंबर में है इफ द डेट वॉज 8th ऑन संडे व्हाट विल बी द डेट ऑन द नेक्स्ट संडे। अभी बोले कि संडे को 8th डेट है, तो नेक्स्ट संडे को कौन सी होगी वो बता रहे हैं कि 8th में हम दूसरे ऐड कर लेंगे तो 15 हो जाती है, तो 16, 15, 14, 17, तो 15th आएगा। ये संडे से अगले संडे तक गिनेंगे तो 15 month डेट हो जाएगी। अभी 7th है मिश्का वॉज ब्रॉन इन द 1996 सी सॉल बी ईयर्स ओल्ड इन द 2018। अभी 96 में उसका जन्म हुआ है ईयर में मिश्का का, तो सी सॉल बी उसके बाद में वो 2018 में कितने साल की होगी, 32, 20, 30, 22, तो 96 के लेके हम 18 तक गिनेंगे तो 22 ईयर्स की होगी, ये नंबर आएगा 22। 1 नंबर द मिनिट हैंड टेक 1 hour टू कंप्लीट ऑन राउंड। मिनट का हैंड से वो पूरा 1 hour घूमेगा तो 1 मिनट होगी। 2 नंबर 1 hour 25 minutes इक्वल 85 minutes, 1 hour की 60 होती है उसमें 25 ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगी, 85 minutes। 3 नंबर 6 weeks एंड 5 days को मिलाते हैं इक्वल करते हैं 47 days होते हैं। 4 नंबर मनीषा हैड हियर लंच एट 2 PM, वो दोपहर के 2 बजे लंच लेती है। 5 नंबर अवनी स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे, अवनी है वो रोज स्टडी 2 घंटे पढ़ती है। सी फिनिशेड स्टडींग एट वो 7 बजे उसकी फिनिश होती है। व्हेन डिड सी स्टार्ट स्टडी, वो कितने बजे स्टार्ट करती है, तो 7 बजे कंप्लीट होती है तो 5 बजे स्टार्ट करेंगी, तो 2 बजे तक 2 घंटे करेगी तो 7 बजे उसकी फिनिश हो जाती है। 6 नंबर में है इफ द डेज व्हाट
एट ऑन संडे, व्हाट विल बी द डेट ऑन द नेक्स्ट संडे, कितनी डेट होगी, एट है तो अगले नेक्स्ट संडे को 15 डेट्स होगी। सेवन नंबर, मिस्का वॉज ब्रॉन इन द 1996, सी सॉल बी यस ओल्ड इन द 218 तक 220 ईयर की हो जाएगी। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।